जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तिलक वेंचर्स के बारे में क्या बात होगी? बात ये होगी कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट को देखने को मिल रही है, इसमें तेजी कब आएगी, मेन चीज इस पर भी फोकस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के जो अभी हाल ही में राइट इशू को लेकर अपडेट आए हैं, तो इस राइट इशू के बारे में संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। राइट इशू क्या होता है, आपको इसमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, और सबसे जो शुरू में हमने बात कही कि ये जो शेयर प्राइस में मेन चीज है कि गिरावट क्यों आ रही, इसको लेकर बात करें। क्योंकि हमारा जब हम किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेन मोटिव यही होता है कि उस स्टॉक का शेयर प्राइस बढ़े, न कि प्राइस गिरे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ज्यादा देरी न करते हुए सबसे पहले चलते हैं हम लोग बीएससी इंडेक्स वेबसाइट पर। वहां पे स्टॉक का डिटेल्स लेने के बाद यहां पे आकर बाकी चीजों को डिटेल में समझेंगे। देखिए बीएससी इंडेक्स वेबसाइट पर जो आप इस स्टॉक को ओपन करते हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड को, तो देखने को मिलेगा स्टॉक अभी ईएसएम स्टेज वन में है। मैं बार बार कहता हूँ कि ईएसएम या जीएसएम के यदि स्टेज वन या स्टेज टू में है तो वो कोई भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं देता है, इसको लेकर हमें घबराना नहीं होता है। हालांकि एक छोटी बहुत छोटी सी नेगेटिविटी तो मार्केट में आ ही जाती है, लेकिन इसको लेकर खासकर जब स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करने वाला हो, काम धाम बढ़िया हो, कंपनी का लगता है कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिफिकेशन में जो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेडिंग क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो ये पड़ी है यहाँ पे 28 सितंबर को, यानी कि जब भी किसी स्टॉक का ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया जाता है तो उसका ये मतलब होता है कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हैं। अब इस कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर टू के नंबर आएंगे बहुत जल्द, यानी कि जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट है वो आने वाला है, उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक आ सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी के राइट इशू के लिए जो 1 अक्टूबर को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, इसको हम लोग नीचे डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राइट इशू के लिए यहाँ पे एक्स डेट रखा गया है, यानी कि रिकॉर्ड डेट 13 सितंबर। यदि आप इस कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 सितंबर के पहले तक जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया था सिर्फ वही व्यक्ति इसमें अप्लाई कर पाएंगे, नया व्यक्ति इसमें अप्लाई नहीं, जो मतलब 13 सितंबर के बाद शेयर को बाय करेगा वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। पहले से शेयर्स है तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतनी अच्छी कंपनी है कि इसमें लगभग आपको समय समय पर ठीक ठाक कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए दिखते रहता है। एक छोटी सी कंपनी में जब बार बार कॉर्पोरेट एक्शन हो तो वैसे कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि शेयर के प्राइस बढ़ने से तो बेनिफिट होता ही है, साथ में ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है इससे भी आपको एक प्रकार से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो इस स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट किस लेवल पर होना चाहिए, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं है और पहले से इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, चलिए उसको समझते हैं। बाकी राइट इशू जब ओपन होगा तो मैं अलग से एक इसके ऊपर वीडियो आगे ओपन में से पहले ही संपूर्ण डिटेल्स आपको दूंगा कैसे इसमें अप्लाई करना है। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड में कि आखिर इस स्टॉक में गिरावट का दौर क्यों शुरू है। सबसे पहले ये समझिए कि यदि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहले आप लोगों ने इस कंपनी में काम देखा होगा या नया भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ चीजें देखेंगे तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये कंपनी आपको फाइनेंस के सेक्टर में काम पास करती हुई दिखती है, साथ में कमोडिटी के सेक्टर में भी कंपनी का ट्रेडिंग वगैरह होता है। कमोडिटी के सेक्टर में काम करने वाली बहुत कंपनियां हैं, कम कंपनियां जो से मार्केट में लिस्टेड है, बाकी फाइनेंस का सेक्टर में तो काम करने वाली कंपनियां हैं ऐसी। तो एक प्रकार से कहें तो कंपनी, क्योंकि पहले कंपनी यहाँ पावर प्रोजेक्ट में भी काम करती हुई नजर आती थी तो मल्टीपल कह सकते हैं, और जब मल्टीपल बिजनेस में कंपनी काम करती है तो काफी बढ़िया होता है फ्यूचर के हिसाब से कि एक आध बिजनेस नहीं भी चले, दूसरे बिजनेस के चलने से कंपनी का जो शेयर प्राइस है जो कंपनी है फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। और कंपनी का जब आप मार्केट के भी देखते हैं, जब पहले पूरा ओवरऑल फंडामेंटल देखते हैं तो आपको ठीक ठाक नजर आता है, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी तो हमारे लिए ऐसे ही सेफ जोन में आ गई। और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखेंगे तकरीबन 7.5% के आसपास, जो काफी कमाल का है। एक साल में स्टॉक ने 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है, सोचिए साल भर में तकरीबन आपका पैसा लगभग लगभग डबल होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। तो आगे भी इस स्टॉक में ऐसा क्रमात देखने को मिल सकता है। वर्तमान में क्या है कि प्राइस देखिए, ये जब कंसोलिडेशन से ऊपर निकला तो प्राइस को ऊपर जाना था, जब भी हम सभी जानते हैं ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा हो और जब उससे ऊपर निकलता है तो प्राइस जाता है ऊपर गया लगभग लगभग कह सकते हैं कि अपने कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस हाई के पास गया, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग बनता ही था। उसी प्रॉफिट बुकिंग के होने की वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा डाउन आ रहा है। कितना डाउन आ सकता है, ज़्यादा डाउन नहीं आएगा, उम्मीद है कि 4.5 रुपये के लेवल तक आने के बाद यहाँ से प्राइस फिर सपोर्ट लेके हल्का फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो प्राइस ऊपर निकलेगा। तो आप करना क्या है कि यदि आप नया व्यक्ति और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब प्राइस 5 रुपये के ऊपर निकले, यानी कि प्राइस अभी जो ये नीचे आ रहा है यहाँ से जब बढ़ के ऊपर जाए ये लेवल के आसपास और इससे ऊपर निकले तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पहले से इन्वेस्टमेंट है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको इस स्टॉक को होल्ड करना है। दूसरी चीज क्या होता है कि जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है, चाहे स्टॉक बोनस देता है या स्टॉक स्प्लिट होता है या राइट इशू होता है, तो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद थोड़ा बहुत प्राइस में एडजस्टमेंट होता है, तो उसी प्राइस के एडजस्टमेंट की होने की वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा बहुत डाउन आता है। लेकिन वो ये अभी प्राइस एडजस्टमेंट नहीं हो रहा क्योंकि अभी तो राइट इशू ओपन भी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो गिरावट है बेसिकली टॉप
बना था टॉप बनने की वजह से थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसको लेकर घबराना नहीं है, फिर प्राइस ऊपर उठ जाएगा। और लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आप सभी जानते हैं लॉन्ग टर्म में तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो यदि ओवरऑल बात करें तिलक वेंचर्स लिमिटेड, चाहे आप काम के लिहाज से देखें, कंपनी के फंडामेंटल के लिहाज से देखें, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में पैसा लगाना काफी सही रहेगा। सही लेवल देख के यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें नुकसान के चांसेस लगभग नहीं कि बराबर रहेंगे। लेवल क्या है मैंने स्टॉक पे चार्ट पे दे दिए हैं। मन में अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको इसके बारे में अपडेट दे दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।